उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में पिछले महीने पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर से तमंचों के बल पर दिन दहाड़े 3,29,000 रुपये की लूट करने वालों को स्वैट टीम और कोतवाली सवार पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने दो शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए पैसे में से 85,700 रुपये ही बरामद हुए हैं। साथ ही लूट में उपयोग अवैध शस्त्र और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। रामपुर यूपी से जार टीवी न्यूज़ के लिए नाजिम अली। 15 मई को यहाँ पर थाना स्वार में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 3,50,000 रुपये लूटे गए थे और पेट्रोल पंप के सेल्स मैनेजर में उनके मतलब के द्वारा। और इसमें जो है हमारी स्वाट टीम और थाना स्वार की टीम लगी हुई थी खोलने के लिए। आज हमें इसमें वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और लगभग 85,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल और प्लस जो तमंचा है और कारतूस है वो बरामद हुआ है। ये जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ और क्राइम में अंजाम दिए इन्होंने? हाँ, ये दोनों जो हैं, ये एक जो है इसमें बरेली जनपद का रहने वाला है और एक यहाँ हमारे रामपुर जनपद का रहने वाला है। दोनों के विरुद्ध जो है पहले से आपराधिक इतिहास इनका रहा है।